हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आकाश विजयरन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी पहले इस बारे में भी बात कही थी कि जो हमारे देश है, जो जो इंडिया है, उसमें हम सारे इलेक्शन जो हमारे होते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो, वो सारे हमें क्या है एक टाइम पर ही कर देने चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले भी इस बात को बोल चुके हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से इस बात को बोला है। उन्होंने इस बात को बोला है इस बार ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो कि कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने इस बात को बोला है। तो आज हम जानेंगे क्या क्या ये आपका पूरा टॉपिक है और क्या क्या इसके हम कुछ प्रोज देख सकते हैं, क्या इसके हम कॉन्स भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ सजेशन है, क्या कुछ कंक्लूजन हम इसमें निकलेगा वो हम भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है क्या। आपको पता है 1921 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1921 में आपके स्टार्ट हुई थी। 1921 में आपको पता है कि हमारे देश में अगर हम पार्लियामेंट के बेसिस पर बात करें तो 1921 में हमारी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए भी अब इसको भी याद रखें। ठीक है, इस बार जो आपकी थीम थी वो आपकी थीम थी हारमोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अ की टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आपको पता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसमें तीन आपके मेन पिलर है, तीन आपके मेन स्तंभ है। कौन कौन से? एक आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब आपका विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, तो इस बार की थीम आपकी वही थी कि अगर इन तीनों पिलर्स के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेंट लोकतंत्र, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल थ्री विंग्स ऑफ द स्टेट। मतलब वही बात है कि जो हमारे तीन पिलर है जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, और मतलब संवैधानिक तौर पर इनको काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे जो है इसको काम करना चाहिए इन तीनों को आपस में मिलके। ठीक है, तो अब ये जो हमारा हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में था कैसे था कि आपको पता है कि जो हमारा 18th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस था, जो उसको प्राइम मिनिस्टर जी हमारे जो इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात कही। और कब कही? आपका 26 नवंबर। आपको पता है कुछ दिनों पहले हमारा कुछ दिनों पहले नहीं बल्कि हमारा अभी 26 नवंबर को कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है उसका जन्म हुआ था। हमने इम्प्लीमेंट उसको अडॉप्ट हमने कब किया? उसको 26 जनवरी को किया। लेकिन जो ये बढ़ जो हमने इसका जो जन्म हो गया था ना, जो पूरा बन के तैयार हो चुका था, वो आपका हो गया था 26 नवंबर को। इस वजह से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर उन्होंने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही। ठीक है, मतलब पूरे देश में जो है एक टाइम पे एक ही इलेक्शन हो, मतलब जितने भी आपके इलेक्शन जो हमारे पूरे देश में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे आपके लोकसभा के हो, तो वो सारे जो है एक टाइम पे साइमल्टेनियसली उनको कंडक्ट करवा दें। ठीक है, उन्होंने सिंगल वोटर लिस्ट की बात उन्होंने कही। जो हमारे वोटर लिस्ट होती है वो सारे इलेक्शन के लिए बिल्कुल सेम ही कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अल्टीमेटली होने तो एक टाइम पे है। इस वजह से जो है ये सिंगल वोटर लिस्ट के बारे में भी उन्होंने प्रपोजल रखा। ठीक है, और इन्होंने लास्ट में इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रिब्यूट दिया और उन्होंने इंडिया के जो एफर्ट्स हैं टेररिज्म को कॉम्बैट करने के, उनको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और आपको पता है कि 26 नवंबर को हमारे जो हमारा जो दुखद इंसिडेंट हुआ था, आपके 26/11 का जो हमले हुए थे आपके मुंबई टेरर अटैक्स, ठीक है, उसको भी 12 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने इस मौके पर याद करते हुए इंडिया के टेररिज्म एंटी टेररिज्म स्टेप्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ठीक है, आपका जी न्यूज़ का ये आर्टिकल है, पीएम नरेंद्र मोदी मेक स्ट्रॉन्ग पिच फॉर सिंगल वोटर्स लिस्ट से वन नेशन वन इलेक्शन नीड ऑफ द इंडिया। तो मतलब जो आपकी वन नेशन और वन इलेक्शन है वो आपकी अभी इंडिया की काफ़ी नीड बन के आगे आई है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऑल इंडिया प्रेसिडेंटिंग ऑफिस की कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, द आइडिया इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर सो दैट इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रीशेड्यूलिंग बना देंगे, टाइम टेबल ऐसा बना देंगे कि जो आपके लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो आपके इलेक्शन होते हैं, और बिल्कुल सिंक में हो जाएंगे। मतलब जो है अब बिल्कुल एक ही टाइम में हो जाएंगे, एक ही साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके ऑब्वियसली बात है कुछ प्रोज भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, तो पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंसेस। डेफिनेटली अगर ये आपके इलेक्शन सारे एक टाइम पे हो रहे हैं तो आप एक पार्टी के पोल एक्सपेंसेस पे आप चेक रख सकते हैं। ठीक है, पार्टी एक्सपेंसेस पे आप चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी ने मतलब कितना एक्सपेंडिचर करा है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इलेक्शंस जो है आपके हर साल, आपको पता है लगभग हम एक ना एक स्टेट में हम इलेक्शन देख ही लेते हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हम एक ना एक स्टेट में हम इलेक्शन देख लेते हैं एवरी ईयर।
ठीक है, तो क्या होता है कि हर साल हम फिर से नए नए अरेंजमेंट करते हैं, हम नई वोटर लिस्ट बनाते हैं, हम नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं, हम कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो एक्सपेंडिचर जो पोल्स पे होता है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो है पोल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा एफिशिएंट कर देंगे, काफी ज्यादा वो उसमें थोड़ी कमी हम देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, मैंने आपको बताया कि हमें सेटअप जो है हर साल फिर हमें और नया करना पड़ता है। ठीक है, और नए नए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो अगर हम एक टाइम पे सब कुछ कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो बर्डन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इनका देख सकते हैं हम लोग जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि फिर क्या है कि अगर एक टाइम पे ही अगर आपके सारे इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, एक टाइम पे अगर सारे इलेक्शन हो रहे हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो गए, आपके लोकसभा के हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि पार्टीज जो है अगर मान लो हर साल इलेक्शन हो रहे हैं अलग अलग उसमें स्टेट्स में, तो पार्टी क्या करेगी, वो उसने पहले एक इलेक्शन लड़ दिया, फिर अगले साल वो क्या है, अगले साल की जो आपका इलेक्शन होगा, मान लीजिए आपके यूपी में इस साल इलेक्शन हो गया, अगले साल आपके फिर बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अभी अब यहाँ पे यूपी खत्म हो गए तो अगले साल बिहार में हो रहे हैं, तो वो क्या है कि अभी से जो है वो बिहार के इलेक्शन में लग जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज पे ध्यान नहीं देगी, लोगों की डिमांड्स पे ध्यान नहीं देगी, वो अभी से बिहार के इलेक्शन की तैयारी करने के लग जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोलिटिकल पार्टीज भी इसमें काफी ज्यादा कह सकते हैं थोड़े सीरियस जो है उसकी पब्लिक की पॉलिसीज के लिए हो जाएंगी। एंड ऑब्वियसली आपका जो गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी ज्यादा काफी ज्यादा से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखा होगा कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो आपकी आपकी जो असेंबली इलेक्शन आपके जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स होते हैं उसके लिए जो आपकी रूलिंग पॉलिटिशियन होते हैं ना वो कुछ ज्यादा हार्श जो आपके लॉन्ग टर्म स्टेप्स होते हैं ना उनको लेने में थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे वो, कि कहीं ना कहीं जो है इसका रिजल्ट हमें देखने को बाकी स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा मिलेगा स्टेक होल्डर्स को, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि एक स्टेट में इलेक्शन होगी फिर अगले साल दूसरे स्टेट में इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए अरेंजमेंट्स के लिए इतना टाइम जो है ईसीआई को मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मिल पाता है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मिल जाता है, काफी ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन का कुछ ऐसा इलेक्शन आपके आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है कुछ ज्यादा टाइम जो है वो स्टेक होल्डर्स को मिल सकता है, लोगों को टाइम मिल सकता है। ठीक है, कि फिर क्या है कि आराम से 5 साल तक आप तैयारी कर सकते हैं, 5 साल एक बार इलेक्शन हो गया फिर 5 साल के लिए दोबारा से तैयारी करो अच्छे से, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो भी क्या है फिर से अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या क्या उनमें कमियां रहेगी, कैसे कैसे वो जो है और एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ वो लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 5 साल का जो गैप मिल जाएगा ना बीच में इलेक्शन के, वो कहीं ना कहीं फिर से एक जो आप कह सकते रिहेबिलेशन के लिए रिहैब के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा टाइम जो है एफिशिएंट प्रूव हो सकता है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है, अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है कि एक सिंक्रोनाइजेशन जो है ना बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमने इलेक्शन जो हमारा जो इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस पाई थी, जो इंडिया एक नई नई डेमोक्रेसी था, तो जब क्या था कि सारे इलेक्शन आपके साथ में होते थे, लोकसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे साथ में होते थे, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो आपकी लेजिस्लेचर से आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंस चला गया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में जो आपकी गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, सरकार जो आपकी गिर जाती है, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से जो है ना ये टाइम लैग अपने आप हो ही जाता है। इंडिया में भी तो 1967 तक सारे इलेक्शन साथ में तो होते थे, लेकिन उसके बाद में केरला में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता है केरला में आपकी गवर्नमेंट गिर गई थी, उसके बाद से फिर बहुत सारे स्टेट्स में सरकार गिरने लग गई, जिसकी वजह से ये जो आपका टाइम था, ये जो इलेक्शन आपके जो साथ में होया करते थे ना वो सारे फिर अलग अलग टाइम पर होने लगते, आज तक वही चल रहा है कि उन्हीं रीजंस की वजह से आज तक इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं हर स्टेट के और लोकसभा के भी। ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसे गिने चुने स्टेट्स हैं आपके जिनके इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ हो जाते हैं, एक शायद लोकसभा के इलेक्शन के साथ आपके उड़ीसा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आपके इलेक्शन होते हैं, जहां तक मेरे को याद है, श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लेना है। ठीक है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में कन्विंस करने के लिए बहुत मतलब मुश्किल आइडिया, आपको पता है कि मोदी जी ने ये बोला तो उसके बाद से पिछली बार जब इन्होंने मोदी जी ने बोला था तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी अपोजिशन की जो पार्टीज थे ना उन्होंने काफी ज्यादा इस बात को लेकर अपोज किया था, उन्होंने मना किया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये वो, तो पोलिटिकल पार्टीज को बनाना काफी ज्यादा एक बड़ा टास्क हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए इतने वाइड स्केल पे इलेक्शन होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं आपकी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आपके जो वीवीपैट होते हैं वोटर वेरीफाई पेपर और डिटेल जो आपका मतलब वोटर को वेरीफाई करते हैं कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है वो वोट उसी कैंडिडेट को गया है, ये इसको वेरीफाई करने के लिए जो है ये डिवाइस यूज किया जाता है वीवीपैट, आपको पता होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इनका यूज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वीवीपैट में आपको पता है
पेपर इस्तेमाल होता है, तो पेपर के लिए आपको पता है पेपर के लिए तो एक ही चीज़ है वो आपके ट्रीज, तो कहीं ना कहीं उनका उनकी कटिंग हम ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। और ईवीएम का यूज़ आपका बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। और देर विल ऑल्सो बी एन एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोलिंग स्टाफ एंड फॉर बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। आपको पता है कि अगर इतने वाइड स्केल पे इलेक्शन होंगे तो साथ ही साथ हमें स्टाफ की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। स्टाफ की जरूरत क्यों पड़ेगी? आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं ना तो उसमें अलग अलग तरीके के स्टाफ होते हैं, आपके टीचर्स भी होते हैं उसमें, आपके पुलिस भी होती है, आपकी स्टेट पुलिस भी होती है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी होती हैं, ठीक है, और आपके वॉलंटियर्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें इस लेवल में देखने को मिल सकता है। तो आप सजेशन देख लीजिए कुछ क्या क्या है कि अगर मान लीजिए हम इस भाई हम अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंडिया को कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। तो एक्सपीरियंस तो इंडिया को है, इंडिया ने 1951 से जो इंडिया ने अपने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे, तो 1967 तक जैसा कि मैं आपको बताया था वो सारे इलेक्शन एक टाइम पे तो हो रहे थे, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, आपके लोकसभा के इलेक्शन सारे साथ में तो हो रहे थे। वो 1967 में आपके केरला में कंट्रोवर्सी होगी, उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद फिर ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो इंडिया का एक्सपीरियंस है, इंडिया फिर से अगर इसको अपनाना चाहे, इस सिस्टम को अपनाना चाहे, तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, उस फिर से कर सकता है। लेकिन इस बार क्या है, एक नई चीज़ क्या है, वो आपकी लोकल बॉडीज। उस टाइम पे आपकी लोकल बॉडीज, आपके पंचायती राज, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपकी एमसीडी, ये सब उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आपको पता है कि जो इनके इलेक्शन होते हैं वो आपके ईसीआई तो कंडक्ट करवाता नहीं है, वो आपको कौन करवाता है? वो आपको करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो आपकी इतनी आपके कंसर्न स्टेट के आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं वही तो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, जो इसको इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए अगर इंडिया जो है इस अप्रोच को अपनाता है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करता है, ठीक है। इन इंडिया फिक्सिंग द डेट इज नॉट फिजिबल बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैं आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मतलब सरकार गिर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। तो डेट्स फिक्स नहीं कर सकते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी सारी सही बिल्कुल टाइम में चल रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसकी सरकार की, वो सरकार आपकी गिर गई, ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे हो गए ना, उसको तो इलेक्शन फिर करवाने पड़ेंगे, बिना गवर्नमेंट के तो कोई देश चल नहीं सकता, तो उसके इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो फिर क्या नाम है, फिर जो उसके 5 साल पूरे होंगे, उसके 5 साल थोड़े बाद में पूरे होंगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 5 साल पहले पूरे हो जाएंगे, तो इलेक्शन में फिर से वो टाइम लग फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो एक रेडिकल अप्रोच क्या है, एक रेडिकल पोजिशन क्या है कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, तो ये तो हम नहीं कर सकते, जिसमें कि आपकी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जैसे कि आपका अमेरिका में होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रेजिडेंट आपके हाउस से अकाउंटेबल नहीं होते। तो ये अप्रोच आपकी जो है काफ़ी सही रहेगी, काफ़ी कह सकते हैं कि उससे अलग हो जाएगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो अगर हम इसको वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो टाइम लैप जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ रहा था ना, जैसे एक बार पास्ट में भी आ चुका है, वो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे आगे कि गवर्नमेंट क्या करती है। तो सिंग द टर्म ऑफ स्टेट असेंबलीज विद दैट ऑफ लोकसभा, द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली। तो देख लीजिए कि मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है वो गिर गई, उसकी सरकार गिर गई आपकी, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टर्म जो आपका बचा हुआ होगा उसको उसकी स्टेट को उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म के साथ हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इलेक्ट हो रही है फिर से सरकार गिरने के बाद, तो 5 टर्म्स को तो फिर से पूरे मिलेंगे ना, 5 साल को तो पूरे मिलेंगे, तो 5 साल बढ़ा के हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्स्ट्रा दे सकते हैं ताकि वो जो एक सिंक बन जाए फिर से, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गिर गई तो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आपको 5 साल मिल जाएंगे, और आपकी लोकसभा के पास तो आपके जितने आपके पहले से जरूरत हो तो वो तो उसी टर्म पे चलेगी, तो कहीं ना कहीं फिर से हम कटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 83, 85, 172, 174, 1 एंड 356, मतलब इतने सारे आर्टिकल पर हमें छेड़खानी करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मोदी जी ने आपको बताया इस बारे में भी कहा था, वन वोटर लिस्ट, मतलब जो आपकी वोटर लिस्ट है वो एक ही रहे, ठीक है। आपको पता है इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, आपके लोकसभा के होते हैं, तो आपकी एक वोटर की लिस्ट आती है, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 18+ आपके जो होते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जो 18+ के हो जाते हैं, जो रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आपको, उनके पास वोटिंग का राइट आ जाता है, उनको वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो वो वोटर लिस्ट आपकी होती है, उसमें सारे लोगों के नाम होते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि हर साल आप एक नई लिस्ट बना रहे हो हर स्टेट इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका टाइम बचेगा, उसमें आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको नई नई अपडेशन करनी पड़ेंगी,
ठीक है, अप टू डेट आपको रखना पड़ेगा, तो उसमें आपके आपके मतलब एक्सपेंसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक बार में सब कुछ बना रहे हैं, एक बार में आपका सब कुछ हो रहा है, फिर 5 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जा रही है, 5 साल के बाद आपको दोबारा से करना है, तो कहीं ना कहीं पैसों में जो आप एक्सपेंडिचर हमारा इतना ज्यादा है इलेक्शन को लेके, वो कहीं ना कहीं काफी कम हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बाकी जगह पे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, बाकी सेक्टर्स में एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस वन वोटल इसमें क्या है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कैसे मनाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को आप लोग कैसे मनाएंगे कि वो लोग जो है अपने रिस्पेक्टिव लॉस को मतलब चेंज करें और थोड़ा अमेंड करें, और ECI के वोटर जिसको वो लोग करें, इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के इलेक्शन के लिए, आपको पता है ये आपकी लोकल बॉडीज है, ठीक है, इनके इलेक्शन आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ECI इसके इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी अलग अलग वोटर लिस्ट जो आपकी बना के रखता है, ECI की लिस्ट आपकी लोकसभा के लिए होती है ना। तो क्या होगा फिर कि इनको कैसे मनाएंगे, आपकी क्या नाम है ये जो वोटर लिस्ट है, ये ECI की ही माने, ठीक है, उनकी ना माने, स्टेट इलेक्शन कमीशन की ना माने, ECI की जो लिस्ट है वो इनके लिए भी जो आपकी इनके लिए आपके काम में आ जाए, ठीक है। तो इनको कैसे मनाएंगे ये आपका एक काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज रहेगा, और कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज भाई आपकी, मतलब कैसे मनाएंगे आप, कंसेंसस कैसे लेकर आएंगे इस बात पे, ठीक है भाई, आपका फिर से ये बता दिया गया, ठीक है। सजेशन क्या है कि द मेच्योर अप्रोच कॉल्स फॉर द ऑप्शन ऑफ स्टेट्स अडॉप्टिंग ECI वोटर लिस्ट, ओके। तो अगर आप मेच्योरिटी थोड़ी दिखाएंगे, स्टेट आपकी गवर्नमेंट जो आपकी मेच्योरिटी दिखाएगी, तो पक्का वो जो है उसको शायद ECI की जो वोटर लिस्ट है उसको मान लेना चाहिए, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आपको पता है ECI जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आपका पक्षपात नहीं करता है, काफ़ी न्यूट्रल वो रहता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वो है, उस पर किसी भी पार्टी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए लेके थोड़े आप वो रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ इसमें हमें फ्रॉड नहीं देखने को मिलेगा, तो आप आराम से जो है उसके लिस्ट को आप अपना सकते हैं, ठीक। कम से कम इतना तो विश्वास रखना चाहिए आपको अपने एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे। द ECI वोटर लिस्ट हैज़ टू बी मेड इन वे टू द फिल द स्टेट इलेक्शन कमीशन वोट्स, विच इज अ टेडियस टास्क बट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपनी वोटर लिस्ट कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपके वार्ड्स होते हैं ना, MCD पंचायत जो आपके वार्ड होते हैं, उनको भी फिल कर सके, उनकी भी लिस्ट जो है एकदम परफेक्टली बन जाए, ठीक है। तो इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ECI जो है वो डेफिनेटली कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। तो अब आगे कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड डिफरेंट प्लेसेज एवरी मंथ एंड इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ, देयरफॉर इट इज अ मस्ट टू हैव अ डीप स्टडी एंड डेलिब्रेशन ऑन द आइडिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है, आपको बताया, कई बार बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन आ ही जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे MCC आपका लागू हो जाता है। आपको पता होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आपका है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके कुछ लिमिट्स लग जाती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, कि आप ये काम आप इसने लिमिट के लिए, इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब फिर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी कि वो अपनी कुछ नई स्कीम्स लॉन्च नहीं कर पाएगी, कुछ अपना ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है, MCC की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो आपकी आपके जो बीच बीच में आपके स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर आपके बाहर बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको 5 साल का पूरा टाइम मिलेगा, आप 5 साल में सब कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, सब कुछ अपनी पॉलिसीज निकालिए, स्कीम निकालिए, 5 साल के बाद आपके इलेक्शन होंगे, कितना अच्छा काम करा आपको पता चल लग जाएगा, ठीक है। देयर नीड्स टू बी कंसेंसस ऑन वेदर द कंट्री नीड्स वन नेशन वन पोल और नॉट, ठीक है। तो कंसेंसस होने चाहिए, आप रेफरेंडम करवा के देख लीजिए, ठीक है, डेमोक्रेसी है, रेफरेंडम आप करवा सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कुछ ज्यादा है तो शायद रेफरेंडम करवाने में मुश्किल हो, पर रेफरेंडम करवा सकते हैं, डेमोक्रेसी है, कैसे वैसा कुछ चलता है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड एटलीस्ट कोऑपरेट इन डिबेटिंग द इशू, आपको पॉलिटिकल पार्टी जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं सबको आप एक टेबल पर बिठाइए, सबके साथ आप नेगोशिएशन करिए, ठीक है। तो सब मतलब जितने आपके स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पब्लिक हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे आपके कैंडिडेट हो, चाहे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, इन सबसे बातचीत करिए, तो कहीं ना कहीं अगर कंस्ट्रक्टिव एक डायलॉग करेंगे तो जो जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, जो बिल्कुल हित में होगा देश के, वो निकल के अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। इंडिया बीइंग अ मैच्योर डेमोक्रेसी कैन देन फॉलो द आउटकम ऑफ द डिबेट, ठीक है। डिबेट का जो आउटकम है जो आपको बताया कि वो जरूर अच्छा ही निकल के आएगा अगर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो होता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उससे तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो कम से कम ये काम तो कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा कि वन इलेक्शन और वन नेशन का आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ये है क्या, ठीक है, क्या इसके प्रोज, क्या इसके कॉन्स और क्या चैलेंजेस जो हैं इस कॉन्सेप्ट के आगे अभी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, थैंक यू सो मच।